हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आर न्यू वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे ये वीडियो के टाइटल में क्या लिखा है, एंड कुछ लोग जिनको नहीं पता होगा तो उनको बताना चाहूँगा, एंड बहुत सारे लोगों के लिए जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, और इस बारे में हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे और आप लोग भी समझ पाओगे खुल के, क्योंकि अभी तक क्या था कि किसी ने भी मेरा साइड पूछा नहीं, लिखा नहीं, कहीं वीडियो आपने नहीं देखी एंड कहीं कुछ नहीं देखा। आपने सिर्फ वो देखा है जो आपको काट पीट के वीडियो में दिखाया गया। ना पूरी वीडियो आपने देखी, ना किसी ने देखी, ना पूरा लिंक देखा, ना पूरा जानने की कोशिश करी कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो जो ये वीडियोस आप देख रहे हो, ये कुछ 10, 15, 20, 25 या उससे भी ज़्यादा लोग हैं जिनको पता नहीं कहाँ से वो स्ट्रीम मिली। ठीक है, वो मैंने प्राइवेट कर दी थी, बट उससे पहले ही किसी ने उसका कोई रिकॉर्डिंग ले लिया है, और उसके बाद किसी एक ने वीडियो बनाई, और फिर दो ने बनाई, फिर 10 ने बनाई, फिर 15 ने बनाई, 20 ने बनाई, 25 ने बनाई, और फिर तोड़ मरोड़ के उसी वीडियो को आपके सामने लाया जा रहा है, और वो वीडियो के अलग अलग रूप आ रहे हैं, अलग अलग टाइटल, अलग अलग थंबनेल के साथ। ठीक है, क्लिक बेट टाइटल जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब ना मैंने किसी भी चैनल का नाम लिया, ना सामने वाले में से किसी चैनल ने किसी का नाम लिया, और लोगों को टाइटल दिखा के ऐसा बताया जा रहा है, जो भी बताने की कोशिश की गई है उससे उल्टा। तो आपको वो बताते हैं कि क्या है एक्चुअल में कहानी। अब मैंने जो कहा था उस वीडियो में, वो था मेरा पर्सनल ओपिनियन। मैंने उसमें खुला कहा था कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये जो चीज़ है ना, पर्सनल ओपिनियन वाली जो बात थी, ये उसमें से कट गई। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली मसाला, भाई मसाला आप लोग को तभी मिलेगा ना अच्छा खासा, जब आपको आपसे सच जो है वो छुपा लिया जाए, एक सस्पेंस बना दिया जाए आपके दिमाग में, और एक छवि बना दी जाए किसी के प्रति, और वो आप उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में ढूंढोगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, फिर आप जाओगे, गालियां दोगे, इधर उधर जाओगे, कुछ हरकतें करोगे। तो भाई साहब, उस वीडियो में से ये पर्सनल ओपिनियन वाली बात हटा दी गई, और मैंने कहा था कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे मोबाइल गेमिंग देखना पसंद नहीं है। तो मैंने वो वीडियो पे वो जो कहा वो कहा। ठीक है, उसके बाद आई रियलाइज कि भाई मुझे वो जो मैंने किया था ऑनलाइन वो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। मैटर हुआ, जो भी हमारा और सामने जिसका हुआ उसके साथ हमने सॉल्व किया, एक अपोलॉजी वाला पोस्ट था वो बनाया, उसमें अपोलोजाइज किया मैंने सामने वाले ने, एंड उसके बाद वो किसी ने नहीं दिखाया। ठीक है, वो नहीं दिखा, वो किसी ने भी वो वीडियो में नहीं दिखाया। क्यों दिखाएगा? क्यों भाई? क्योंकि सबको मसाला चाहिए ना, असली बात तो छुपा लो लोगों से, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? इंटरनेट है, किसको क्या पड़ी है, उनको तो 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो मिली, मारो ठोको इस पे, ये टाइटल डालो, ये थंबनेल डालो, इस ये रिप्लाई टू दिस, वो रिप्लाई टू दैट, और सिख वॉरियर रिप्लाईज टू दिस, ये रिप्लाईज टू सिख वॉरियर। बस लोगों ने तो कुछ करना ही नहीं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, सच जानना ही नहीं है क्या है। तो भाई मैंने कहा मुझे मोबाइल गेमिंग नहीं पसंद, मैं मोबाइल गेमिंग नहीं देखूंगा। ठीक है, और मुझे मोबाइल गेमिंग देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको पसंद है, आप देखो, बहुत अच्छी अच्छी गेम्स हैं मोबाइल में, और ऑब्वियसली मोबाइल गेमिंग इज मोर फेमस देन पीसी गेमिंग। क्यों? क्योंकि भाई मोबाइल है 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, सबके हाथ में आजकल है, ऑल थैंक्स टू जियो, ऑल थैंक्स टू चीप मोबाइल फोन्स ऑल्सो। अच्छे अच्छे मोबाइल फोन्स आपको सस्ते में मिल रहे हैं सबके हाथ में, और मोबाइल गेमिंग पॉपुलर है ज़्यादा। पर मैं एज अ गेमर, मुझे पीसी गेमिंग, मुझे एक्सबॉक्स गेमिंग, मुझे PS4 गेमिंग, मुझे बाकी गेमिंग पसंद है, मुझे मोबाइल गेमिंग नहीं पसंद भाई, नहीं पसंद। अब अपनी पर्सनल ओपिनियन, अब आप ये मत पूछने लग जाना भाई क्यों, तुझे क्यों नहीं पसंद है भाई, नहीं पसंद है यार। ठीक है, अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो भाई साहब, इस पे लोगों ने वीडियो बनाई चालू कर दी कि ये देखो, ये इसके खिलाफ बोल रहा है,
ये इसके खिलाफ ये कर रहा है, इसके खिलाफ वो कर रहा है, इसके खिलाफ ये हो रहा है, इसके खिलाफ वो हो रहा है, फलाना ढमकाना। अब भाई ये मेरा ओपिनियन है, मैंने आपको तो कहा नहीं, आप मत देखो, ठीक है, मैंने आपको ये कहा आप कंपेयर मत करो, ठीक है, एक मोबाइल गेम को पीसी गेम से, मैंने ये कहा मोबाइल गेम इज वे डिफरेंट देन पीसी गेम। मोबाइल गेम मोबाइल के लिए बनाई गई है, बहुत मुश्किल है मोबाइल पे, पीसी गेम पीसी के लिए बनाई गई है, बहुत मुश्किल है पीसी पे। एक बंदे का चैनल मोबाइल गेमिंग का है, वो अलग है, उसको पीसी गेम से कंपेयर मत करो। लोग मेरे चैनल पे आके सुपर चैट कर रहे हैं, वो जो जो वीडियो आपने देखी थी ना, वो इसी से शुरू हुई थी, मेरे से आके लोग कहते थे पबजी मोबाइल खेलो आप, पबजी मोबाइल क्यों नहीं खेलते, एमुलेटर खेलो, एमुलेटर क्यों नहीं खेलते, आपके व्यूज़ इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप एमुलेटर भी नहीं खेल रहे हो, नहीं तो आप भी 1 मिलियन है, 100K 200K पहुँच गए होते। भाई इट्स माई चॉइस, मुझे पता है मुझे नहीं खेलना, तो भाई इसमें गलती क्या है, मुझे नहीं चाहिए वो 15,000 20,000 50,000 1 लाख व्यूज व्यूअर्स, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुश हूं जितने पे भी हूं। पर जो तोड़ मरोड़ के वीडियो आ रही है ना, उससे आपको क्या दिख रहा है कि भाई सिखवारियर ने तो ऐसा फैला दिया है, इसको व्यूज चाहिए, इसको सब्सक्राइबर्स चाहिए। अरे भैया अगर मुझे व्यूज और सब्सक्राइबर्स चाहिए होते तो मेरे साइड से वीडियो आती ना, मैं अपने चैनल पे वो वीडियोस अपलोड करता, तो मेरे तरफ ऑडियंस अट्रैक्ट होती, वो 100K जो कंट्रोवर्सी वीडियो पे 100K व्यूज आए तो मेरे चैनल पे आते ना, मुझे उससे क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं, जीरो, नथिंग। तो भाई आप भी नादान हो, बहुत सारे लोग, अगर ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंची तो भाई जनता तो होती है नादान, उनको तो भाई सच पता होता नहीं है, उनको तो बस कुछ चीज़ें छुपा दो, कुछ चीज़ें दिखा दो, जो चीज़ दिखाओगे वो विश्वास कर लेगी, जो चीज़ छुपा लोगे वो उनको पता ही नहीं चलेगी कभी, चाहे वो आंखों के सामने ही है, चाहे सब कुछ आंखों के सामने ही है, चाहे सिख वॉरियर का चैनल रोज लाइव आता है, चाहे वो खेलता है, चाहे वो स्ट्रीम करता है, चाहे उससे पूछ लें, चाहे उसके पास जाएं समझ लें कोशिश करें, नहीं फर्क नहीं पड़ता, नादान है जनता, जनता का काम है। तो भाई मुझे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आज भी लाइव आता हूँ, मैं आज भी स्ट्रीम करता हूँ, मैं आज से आता रहूँगा, और मैं स्ट्रीमिंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है अब, एंड स्ट्रीम करते हुए, एंड लाइव आते हैं एवरी डे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कोई सामने वाला मेहनत नहीं कर रहा, सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कोई बंदा मोबाइल गेमिंग कर रहा है, कोई बंदा पीसी गेमिंग कर रहा है, कोई बंदा प्ले स्टेशन गेम का कर रहा है, कोई बंदा एक्सबॉक्स गेम का कर रहा है, ठीक है, आपको जो देखना है यूट्यूब आपका है, आप देखो, मुझे नहीं देखना, ये मेरा ओपिनियन था, ठीक है, मैंने लाइव स्ट्रीम पे बताया, कुछ लोगों को बहुत गलत लगा ये कि आपने अपना ओपिनियन लाइव स्ट्रीम पे कैसे दिखा दिया, सही बात है ना, हो सकते हैं बहुत तरीके के लोग होते हैं इंटरनेट पे, तो ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है सच्चाई वाली। रही बात एमुलेटर की, भाई साहब मुझे पीसी गेम खेलना पसंद है, जिस प्लेटफॉर्म के लिए बना है उस पे खेलना, मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पसंद है, मैं उसी पे खेलता हूँ, मैं उसी पे स्ट्रीम करता हूँ, मुझे पता है वो कितनी डिफिकल्ट है। अगर आपने नहीं खेला है कभी, कभी मौका मिले, चाहे आप गेमिंग कैफे जाओ, चाहे आप अपने दोस्त के पीसी पे जाओ, कभी खेलो, कभी खेलो, अच्छा लगेगा, मुश्किल है पर अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं अभी अपने कल की लाइव स्ट्रीम पे ही अपने व्यूअर्स से बात कर रहा था, ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि देखने की बात अगर सिर्फ करी जाए, सिर्फ देखने की बात करी जाए, अगर आप पबजी को आप समझ रहे हो, सिर्फ पबजी, अगर एक पबजी को एक मूवी की तरह समझ लो, जिसमें सारे कैरेक्टर्स, सारा मैप, सारा जो गेम प्ले है, गेम प्ले का तरीका है, जो मोड है, सब कुछ सेम है, इवन शहर के नाम सेम है, सब कुछ सेम है, बट एक बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखने वाली गेम है, क्यों, क्योंकि उसके ग्राफिक्स मोबाइल के लिए बने गए हैं, एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली गेम है जिसके ग्राफिक्स पीसी के लिए बनाए गए हैं, समझ रहे हो, तो आपको देखने, आप क्या देखना प्रेफर करोगे। मैंने इसको रियल लाइफ एग्जाम, मैं हर चीज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल पे लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने आपसे कहा कि भाई अगर एवेंजर्स मूवी, सेम मूवी 1998 में आई होती, उस समय की टेक्नोलॉजी के साथ बनाई होती, और वो 1998 की मूवी एक आपके सामने हो, और एक आपके सामने हो 2018 की एवेंजर्स की मूवी, स्टोरी सेम, सब कुछ सेम, बस
एक मूवी बनाने में उस जमाने की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी, एक आज के जमाने की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो आप कौन सी देखना प्रेफर करोगे? मैंने बस सिंपल सा सवाल पूछा और सबका जवाब यही था कि 2018 देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई पुरानी जैसी दिखने वाली मूवी? क्या पता वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, क्या पता वो एकदम गंदी सी दिखती हो, क्वालिटी अच्छी नहीं हो, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ऑब्वियसली ग्राफिक्स भी अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपल से ये क्वेश्चन कहा, मैंने कहा ये व्यूअर्स एज अ व्यूअर, ठीक है, एज अ व्यूअर अगर आपको पबजी पीसी दिखेगा और पीसी वाले ग्राफिक्स दिखेंगे आपको, वो ज्यादा अच्छा लगेगा ना देखने में। अगर श्राउड की वीडियोस लोग देखते हैं तो उनको क्वालिटी भी तो अच्छी लगती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई क्वालिटी बेकार है, मोबाइल गेम तो वो भी नहीं खेलता, ठीक है। तो बस मेरा तो मानना ये था। बाकी एज अ व्यूअरशिप की बात की जाए, मोबाइल गेम्स बहुत ज़्यादा लोगों तक अवेलेबल हैं, तो भाई जाहिर सी बात है वो मोबाइल गेमिंग जो करेगा उसको ज़्यादा व्यूअर्स मिलेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जीरो फर्क पड़ता है। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सी चीज़ थी, खींच तान के बहुत सारी वीडियोस बनी बनाई गई हैं, बहुत सारी बनी हैं, मुझे अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड रही बात क्या नाम है स्ट्रीमिंग की, अभी भी मैं सेम पीसी गेम्स की स्ट्रीम करता रहूँगा। एंड पहले मैंने एमुलेटर पे सब गेम्स भी किए हैं, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं किए, क्यों? क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कहते थे हमारे पास अच्छा पीसी नहीं, हमारे साथ खेल लो, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा मेरे से कल लाइव स्ट्रीम पे किसी ने पूछा था, क्या पूछा था वो क्वेश्चन, कि भाई ये एमुलेटर तो बहुत टाइम से है, करीब 6 महीने से है, तो आपको अब दिक्कत क्यों हुई, आपने अभी क्यों अपना ओपिनियन जाहिर किया? मैंने कहा पहले क्या होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ सब गेम्स होते थे, एंटरटेनमेंट होता था, ठीक है। पर जब सब ने देखा कि ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इस गेम को इसको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ स्किल्स भी नहीं चाहिए, इसमें तो मैं भी प्रो बन सकता हूँ, मेरी भी स्ट्रीमिंग चैनल बड़ा हो जाएगा, मैं भी ये करने लग जाऊँगा, मैं भी वो करने लग जाऊँगा, इसको देखा देखी हज़ारों गेमिंग चैनल स्ट्रीमिंग चैनल चालू हो गए, ठीक है, और सिर्फ मोबाइल गेमिंग का कंटेंट दिखने लगा मुझे यूट्यूब पे, तो मैंने कहा, मैंने अपनी एक आवाज़ रखी कि भाई पीसी गेमिंग गई कहाँ, मुझे पीसी गेमर्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, और लोगों के पास अच्छे पीसी हैं तो पीसी गेमर्स कहाँ गए? मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो ये पूछा था, ये क्वेश्चन रखा था मैंने जनता के सामने। एंड उसी क्वेश्चन को, उसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के एंड कुछ बातें छुपा के आप लोग तक पहुँचाई गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप भी ये सोचोगे कि भाई अगर आपके पास 1080 Ti है, आपके पास ये है क्या नाम है, अच्छा सा प्रोसेसर है, अच्छी सी मदरबोर्ड है, अच्छा सा रैम है, पीसी एक फाड़ है, शानदार सा पीसी है, ठीक है, तो भाई साहब आप पीसी गेम्स भी तो कभी खेल सकते हो, और इससे पीसी गेमिंग का भी तो फायदा होगा, समझ रहे हो? मैं तो बस इतना सा ओपिनियन रखा था, और जो कि गलत है एकदम, लोगों ने तो समझा ही नहीं और वीडियोस बननी चालू हो गई। अब वो आप लोग के ऊपर है, अब आप लोग क्या समझते हो, इस वीडियो का भी कुछ कट पीट का वर्जन आपको मिल जाए पर आप लोग समझोगे नहीं, आप लोग डायरेक्ट चले जाओगे उस वीडियो पे, कभी इधर सॉरी कभी इधर वाली ये वाली पूरी वीडियो देखोगे नहीं, थोड़ी सी लंबी वीडियो बन भी गई है एंड क्या पता आधे लोग चले भी गए हों, इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखा, कंट्रोवर्सी जो है वो है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो गाली देंगे, हम तो गाली दे के खुश हो जाएंगे, हमें तो गाली देना बहुत पसंद है, हम तो इसको गाली देंगे, हम उसको गाली देंगे, हम तो जिसने वीडियो बनाई उसको भी गाली देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भाई, इंटरनेट है, 4 दिन का ये सीन होता है, सिनेरियो होता है, 4 दिन बाद ना आपको ये कंट्रोवर्सी याद होगी, 4 दिन बाद ना आपको याद होगा ये हुआ क्या था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ किसी को याद नहीं होगा। जिसके जो चैनल है वो चलता रहेगा, ठीक है, जिसने जो करना है वो करता रहेगा, मैंने देख लिया है किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पीसी गेमिंग के नंबर्स अगर कम हैं, मोबाइल गेमिंग के नंबर ज़्यादा हैं, इफ़ आई एम डूइंग माई पार्ट कि मैं प्रमोट करूँ पीसी गेमिंग को, मैं प्रमोट करूँ एक्सबॉक्स गेमिंग को, मैं प्रमोट करूँ प्ले स्टेशन गेमिंग को, तो भाई आई एम डूइंग माई पार्ट एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ स्ट्रीमर, कि मैं आपके पास बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊं,
इससे रिलेटेड, पीसी गेमिंग इससे रिलेटेड, मेरा मोटिव है ही नहीं मोबाइल गेमिंग, तो भाई मैं क्या करूं, मुझे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। कल को वो लोग क्लैश रॉयल खेलने लग जाएं, कल को वो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलने लग जाएं, क्या फर्क पड़ता है उनको। नंबर से प्यार है, नंबर्स तो मोबाइल गेमिंग में ही मिलेंगे, समझ रहे हो। नंबर्स आपको मोबाइल गेमिंग में ही मिलेंगे। अब कुछ लोग तो ये भी कंपेयर कर सकते हो कि नहीं, कि श्राउड की रात को कल वॉचिंग थी 25,000, बट यार उसकी वॉचिंग तो 90,000 थी, वो तो श्राउड का भी बाप निकला। अपना अपना ओपिनियन है भाई, गलत नहीं कह सकते हो। अब वो क्या चीज में कंपेयर करके श्राउड का बाप बना रहे हैं, व्यूअर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, कंटेंट से कोई मतलब नहीं किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो एफ गिवन, किसी को फर्क नहीं पड़ता कंटेंट से, नंबर्स मैटर्स उनके लिए जो लोग कंपेयर कर रहे हैं, जिनको जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट, ये था मेरा पूरा एक अपने साइड का स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी इसको लाइक बटन दबा देना, लाइक बटन दबा देना। और बहुत सारे लोगों को अभी भी कुछ समझ नहीं आया होगा, यार ये क्या ज्ञान बांट रहा है, इसको क्या फर्क पड़ता है, ये क्या है, ये कौन है, ये है कौन, ये होता कौन है बोलने वाला, तो डिसलाइक मारोगे आप वीडियो को। बट अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो, कुछ भी 1% भी समझ में आया हो, तो लाइक कर देना वीडियो को। एंड या इफ यू वॉन्ट टू फॉलो पीसी गेमिंग, एक्सबॉक्स गेमिंग, नहीं मेरे पास तो एक्सबॉक्स है नहीं, बट प्ले स्टेशन गेमिंग या खेलूंगा फ्यूचर के पीछे, प्ले स्टेशन गेम्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 का भी ट्राई किया था, स्ट्रीम किया है 2-3, और स्पाइडरमैन का भी मैंने सोचा था करूंगा, बट यार ये जो सिंगल प्लेयर गेम्स होती ना, होता क्या है कि एक बार जब लोग देख लेते हैं दोबारा देखना चाहता नहीं है कोई, तो फ्यूचर में करेंगे, कोई नया टाइटल, अच्छा टाइटल आएगा प्ले स्टेशन का, वो भी करेंगे। तो हाँ, अगर आपको ये सब गेम्स आपको देखने का मन करे, पसंद हो, तो सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा इस चैनल को, सिकोरियो चैनल को। एंड यस, आई विल बी देयर, आई डू लाइव स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम एवरी डे, एवरी फ्रिकिंग डे ऑफ द ईयर, ठीक है। एंड आई विल बी हियर, एंड आप लोग आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी, एक गेमिंग कम्युनिटी, अच्छी गेमिंग कम्युनिटी और बढ़ेगी। अगर आप में आपको इंटरेस्ट है इन सब गेम्स को देखने का, तो आप भी आ सकते हो। एंड एक टॉपिक और शायद रह गया था, कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, यार ये प्रो पबजी प्लेयर क्यों लिख के बैठा है अपने स्ट्रीम पे, तो बताना चाहूँगा, आई लाइक टू प्ले टू विन, टू गेट चिकन डिनर्स, एंड मुझे पसंद है कि भाई मैं एक अच्छा गेम आपको दिखाऊं, अच्छा गेम इन द सेंस जिसमें चिकन डिनर मिले। पबजी जो गेम है वो सर्वाइवल की गेम है, वो जीतने की गेम है, कि कैसे आपको लास्ट के सर्कल्स में चिकन डिनर चाहिए होता है, कैसे आप मूव करोगे, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे आप स्क्वाड में अपने 4 लोगों के साथ मिल के काम करके चिकन डिनर ला सकते हो इन पबजी पीसी ऑब्वियसली, और उसको सेम चीज़ को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो दूसरे वर्जन ऑफ पबजी में, पबजी PS4 में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बिकॉज द बेसिक फंडा ऑफ द गेम इज सेम, वो सेम ही रहेगा नेवरदलेस, चाहे आप मोबाइल गेम देखो, चाहे आप एक्सबॉक्स गेम देखो, चाहे आप प्ले स्टेशन गेम देखो, पबजी अब हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज भी बताना चाहूंगा, पबजी हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, हाँ निंटेंडो वाली छोड़ के प्लेटफॉर्म, सॉरी, पीसी, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, मोबाइल, फंडा पूरे 4 गेम्स का सेम है। एंड अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। आई वॉज साउथ ईस्ट एशिया रैंक 1 SCA प्लेयर पबजी में, एंड 2 बार मैं लीडर बोर्ड पे टॉप पे आ चुका हूँ, एंड मेरी पूरी टीम लीडर बोर्ड पे टॉप पे आई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ किया नहीं, ऐसे ही नहीं, हमने 2,500 से 3,000 घंटे पबजी खेली है, और अगर हम अगर कुछ लिख रहे हैं तो अपने व्यूअर्स को झूठ कभी नहीं बता रहे हैं, कि क्लिक बेट नहीं है। अगर आप आके चैनल पे देखोगे, रुकोगे, हाइलाइट्स देखोगे, अगर आपके अंदर लाइव स्ट्रीम पूरा बैठ के देखने का वो नहीं है, एंड टाइम नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है, तो आप हाइलाइट्स एंजॉय कर सकते हो, हर दूसरे दिन हाइलाइट्स आती हैं। एंड यस, दिस वॉज इट। एंड इस टॉपिक के बारे में आज के बाद मेरे चैनल पे और कोई डिस्कशन नहीं होगा,
नो एमुलेटर, नथिंग, नो ये गेमिंग, नो वो फलाना ढमकाना, नो स्ट्रीमर, इसके बारे में, उसके बारे में मेरे पास आपको और कोई मसाला इस टॉपिक पे नहीं मिलेगा। जो भी कहना था मैंने इस वीडियो में कह दिया है। अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो भूल चूक माफ, एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग प्यार से पूछ सकते हो कुछ चीज़ें, अगर डाउट्स क्लियर करना रह गया हो। मैंने कोशिश करी है हर चीज़ को कवर कर दूँ इसमें, चाहे वो 15-20 मिनट की, चाहे क्यों ना वीडियो बन गई हो। हर चीज़ को मैंने सोचा है अच्छे से, तब मैंने ये वीडियो बनाई है, एंड कहीं कुछ लिखा नहीं है। एवरीथिंग बस केम ऑल द वे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड आई टोल्ड यू गाइज एवरी थिंग विच आई नो। पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ PC गेमिंग, पर्सनली आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट गेमर, PC गेमर, मे बी PlayStation गेमर इन फ्यूचर, डिपेंड करता है। तो या दिस वॉज इट, एंड अगर आपको पसंद आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, एंड कमेंट करिएगा जो भी आपको पूछना है, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों का रिप्लाई भी कर दूँ, एंड यस दैट वॉज इट। थैंक यू गाइज, एंड सी यू गाइज ऑन द लाइव स्ट्रीम। टिल देन पीस।